नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो सही एवं संक्षिप्त में आपको देने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सरकारी नौकरी से जुड़ी यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान की 10 बड़ी खबरें चल रही हैं। उन 10 बड़ी खबरों को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम विशेष रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज कोर्ट में थी, कोर्ट में क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में पूरी जानकारी सही और संक्षिप्त में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट की अगली डेट क्या है, भर्ती कब तक फाइनल होने की उम्मीद है। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करना है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज कोर्ट में थी। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में लंबे समय से विचाराधीन है, मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, डेट पे डेट मिलती जा रही है। आज फिर अगली डेट दे दी गई है, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, अगली डेट पर क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती केस आज लेंस से पहले 12:14 पर टेकअप हुआ। विपक्षी अधिवक्ता अनिल तिवारी साहब पहले से कंटिन्यू थे, जिन्होंने अपनी आर्गुमेंट पूरा करते हुए कोर्ट को बताया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आए थे वे अति लघुतरीय थे तथा 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न थे ऑप्शनल थे। जिस पर कोर्ट ने कमेंट किया कि पासिंग मार्क का निर्धारण परीक्षा से पहले क्यों नहीं किया गया, जिसका जवाब अनिल तिवारी साहब द्वारा ना देकर और रूल 14 पर अपनी बहस किया तथा बीच बीच में बहस के दौरान तिवारी साहब कोर्ट में हंसी के पात्र भी बने। तिवारी जी बहस कर ही रहे थे कि बीच में कोर्ट ने कहा कि मिस्टर तिवारी आपका 30 से ज़्यादा हो गया है। इस पर तिवारी जी ने कोर्ट से 2 का समय और मांगा और अपना आर्गुमेंट पूरा किया। माथुर साहब अंत में खड़े हुए और कोर्ट से निवेदन किया और कहा, अभी जो बहस लोगों ने की है वही बहस मेरी भी है, मैं रिजवाइंडर बहस करूँगा, जिसको कोर्ट ने माना और केस की अगली डेट दे दी। अगली सुनवाई अब 10 फरवरी 2020 को होगी। 10 फरवरी 2020 को जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आगे कोई भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी।